उच्चतम न्यायालय के आदेश से 1,37,000 शिक्षकों की भर्ती होनी थी और माननीय उच्चतम न्यायालय ने उस भर्ती के लिए कहा था कि जो टेट पास शिक्षा मित्र हैं उनको इस भर्ती में प्राथमिकता दी जाए, क्योंकि काफ़ी लंबे अरसे से शिक्षा मित्र अध्यापन के कार्य में जुटे थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि 25 भारांक और आयु में छूट, पहले 68,500 शिक्षकों की भर्ती हुई, अभी 69,000 शिक्षकों की भर्ती का मामला। और मज़ेदार बात यह है कि अपने आप राज्य सरकार ने यह फैसला कर लिया कि साहब वो राज्य स्तरीय परीक्षा भी इसमें आयोजित करेंगे, जबकि उसका कोई औचित्य नहीं था। अभी आपने देखा कि 69,000 शिक्षकों की भर्ती होनी थी, उसका पेपर आउट हुआ। जो पाँचवीं कक्षा को पढ़ाने में सक्षम नहीं है उनके सबसे हाईएस्ट मार्क्स थे। ये सरकार आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। कितने शिक्षा मित्रों ने खुदकशी की उत्तर प्रदेश में, उनके साथ कोई न्याय नहीं हो पा रहा है। जानबूझकर के सरकार जो पात्र शिक्षा मित्र हैं उनको नौकरी नहीं देना चाहती, बहुत गंभीर मामला है। और ये जो पर्चा आउट हुआ है उसमें भाजपा के लोग ही शामिल हैं। अभी हमने महामहिम राज्यपाल के नाम सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन दिया है और हम ये अपेक्षा करते हैं, हमारी ये मांग है कि पूरे मामले की CBI जाँच हो, जिससे पूरे तथ्यों का खुलासा हो सके। 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाले के संबंध में आज हम सब लोगों ने CBI जांच के लिए ज्ञापन दिया है। वास्तविकता ये है कि शिक्षा मित्रों के अधिकारों का हनन कर ये सरकार विवादास्पद प्रक्रिया के तहत भर्ती कर रही थी। तमाम याचिकाएं कोर्ट में लंबित हैं, वाद व्यय के रूप में जनता की गाढ़ी कमाई को ये सरकार खर्च कर रही है। ये सरकार नौनिहालों के भविष्यों से खिलवाड़ भी कर रही है। ये चाहती नहीं कि योग्य और पात्र शिक्षक इन बच्चों को मिल पाएँ। बेसिक शिक्षा की इतनी दुर्दशा इससे पहले कभी नहीं हुई। हम लोग जो भी भर्ती गतिमान हुई है योगी सरकार में, इसकी CBI जांच की मांग करते हैं, परीक्षा को निरस्त करने की मांग करते हैं। आज हम सीखेंगे बाजार जाना। सबसे पहले नाक मुंह को मास्क या कपड़े से ढकें, प्लास्टिक की वही चप्पलें पहनें जो आपने सिर्फ बाहर आने जाने के लिए रखी हैं। सामान लाने के लिए प्लास्टिक की बाल्टी और साथ में 70% अल्कोहल वाला छोटा सैनिटाइजर रख लें। अब घर से बाहर निकलें, बाहर अनावश्यक कुछ ना छुएं, बाजार में सबसे 6 फुट की दूरी बनाकर रखें। और हाँ, ATM इस्तेमाल करने से पहले ATM का कीबोर्ड सैनिटाइज करें, पैसा निकालकर कार्ड को भी सैनिटाइज करें, खरीदे हुए सामान को बाल्टी में डालकर घर लौटें। जी हाँ, कोरोना का खतरा टला नहीं है, इसलिए हमें बाजार जाने के नए नियम सीखने होंगे। सावधानी की आदतों के साथ जीना सीखना होगा। नए नियम अपनाएंगे, कोरोना को हर दिन हराएंगे। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।